मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के माधवगंज इलाके में एक नवविवाहिता को उसी के दो पड़ोसियों ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। महिला पारिवारिक विवाद के चलते कुछ दिनों से अपने मायके में रह रही थी। महिला ने माधवगंज थाना पुलिस में शिकायत की है। बता दें कि इसके बाद पुलिस ने पड़ोसियों पर मामला दर्ज कर दोनों आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। माधवगंज थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हुए तलाश शुरू कर दी है। ये थाना माधवगंज का प्रकरण है और इसमें फरियाद दिया की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। बहुत जल्दी गिरफ्तार किया गया। दो आरोपी ये माधवगंज प्रॉपर थाने का ही मामला है और वहीं फरियादी और आरोपी भी आसपास के ही रहने वाले। हाँ, वो तमाम सारी चीज़ें आई हैं, उसमें कार्रवाई हो रही है।